अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। बेटा आज का जो हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर है सेकेंड ईयर बायोलॉजी का, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस जो है वो आप लोगों के पास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 है, उसका फर्स्ट टॉपिक का आज हम लोग इसको डिफाइन करेंगे जी कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, होम्योस्टेसिस जो है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बनाया है। फर्स्ट इज होम्यू विच मीन्स सेम और नॉन चेंजिंग, नॉन वेरिएबल। ठीक है जी, होम्यो सेम, और उसके बाद स्टेसिस जो है इसका मतलब है कि स्टैंडिंग विद। स्टैंडिंग विद का क्या मतलब है कि वो वाली कंडीशन जिसके अंदर जो है वो चेंजेस कम से कम हो और उसको जो है वो ऑप्टिमम वैल्यूज पर जो है वो मेंटेन रखा जाए। तो बेसिकली जो है वो इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर मूव करें, सो द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है जी, बॉडी की एबिलिटी के वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट, क्या मतलब है कि बहुत सारे मैकेनिज्म बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, उनमें इंटरनल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना भी हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करना भी हो सकता है, आयंस का बैलेंस रखना वो भी हो सकता है। ठीक है जी, ये कंट्रोल किए जाते हैं आपके पास होम्योस्टेसिस जो है वो हार्मोनल कंट्रोल भी हो सकता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट मैकेनिज्म और डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो इस होम्योस्टेसिस के अंदर आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का इंटरनल बैलेंस जो है उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर पर जिस पर वो सर्वाइव कर सकता है वहां पर मेंटेन करना। ठीक है जी, चेंजेस होने के बावजूद जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रही है, सो दिस होम्योस्टेसिस बेसिकली नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल। तो हर सेल को एक खास टेम्परेचर चाहिए, हर एंजाइम को एक खास पीएच चाहिए अपना जो है वो वर्किंग जो है उसको मेंटेन करने के लिए। तो पीएच को, आयंस को, इसके अलावा जो है वो बॉडी के अंदर जैसे मैंने ग्लूकोज की एग्जांपल दी, तो इन सब को मेंटेन करने के लिए जो है वो हमारे पास होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म जो है वो नीडेड होता है। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो फ्लक्चुएशंस क्या है, फॉर एग्जांपल बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, तो इसके अलावा जो है अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री से एक्सीड हो रहा है या 37 डिग्री से रिड्यूस हो रहा है, तो उसको जो है वो 37 और नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो रखना या मेंटेन करना, ये आपके पास होम्योस्टेसिस के अंदर आ जाता है। ठीक है जी, तो मोस्ट ससेप्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड वाटर, सॉल्यूट्स, टेम्परेचर। तो ये तीन चीजें हैं जिनको मेंटेन करना जो है वो होम्योस्टेसिस के अंदर, इसकी डेफिनेशन के अंदर जो है वो हम इस चीज को पढ़ें। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं, उनमें वाटर आ जाता है, वाटर का बैलेंस मेंटेन करना बॉडी के अंदर। ठीक है जी, बायोस्मो रेगुलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है जी, या थर्मो रेगुलेशन कर रहे हैं। सॉल्यूट्स आ जाते हैं, सॉल्यूट्स का बैलेंस जिस तरह जो है वो मैकेनिज्म मैंने डिफरेंट बताए। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर को मेंटेन करना जो है वो आ जाता है, आयंस के आयंस का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना आ जाता है, ग्लूकोज को मेंटेन करना बॉडी के अंदर आ जाता है। सो ईच एंड एवरी प्रोसेस इन द बॉडी टू बी हैपन इन अ और एट अ स्पेसिफिक ऑप्टिमम वैल्यू इज नेसेसरी टू कंप्लीट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है वो हमें इन तमाम सिस्टम जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही कंटिन्यू करवाना जो है वो जरूरी है, इसीलिए होम्योस्टेसिस जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसमें जो है वो इजिएस्ट मैंने एग्जाम्पल आपके पास जो है वो टेम्परेचर बैलेंस की दी है। तो इसमें जो है वो डिफरेंट एग्जाम्पल जो कि मैं मेंशन कर चुकी हूँ, तो आपकी स्लाइड में जो आप लोगों को नजर आ रही हैं उनमें एग्जाम्पल जो हैं वो मेंटेनेंस और ग्लूकोज लेवल आ जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है जी, आपके पास जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना बाय पैनक्रियाटिक सेल्स। ठीक है जी, आयंस के लेवल को मेंटेन करना, मुख्तलिफ बॉडी के अंदर डिफरेंट आयंस हैं, तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, तो उस एक्सेस से बचाने के लिए या हमारे पास जो है वो कोई भी आयंस जो है वो बॉडी में उस ऑप्टिमम वैल्यू में नहीं है जितना हमें चाहिए, तो उसके लिए जो है वो हमें होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये तमाम आयंस आ जाते हैं जिनके लेवल को मेंटेन करना जो होता है वो जरूरी है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल आप लोगों के पास आ जाती है जी, दैट इज बॉडी टेम्परेचर। तो मैंने बताया जैसे 37 डिग्री सेल्सियस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बॉडी टेम्परेचर की अगर बात करें, तो उनमें जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो इससे कम या ज्यादा हो जाए तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो है वो सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म मौजूद है, दैट इज होम्योस्टेसिस। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहूंगी बेटा, वो ये कि आपके पास जिंदगी के लिए या लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो है वो होम्योस्टेसिस नेसेसरी है। ठीक है, तो वो तमाम डिफरेंट ऑर्गन्स जो के कंट्रोल कर रहे हैं होम्योस्टेसिस में, उनमें स्किन आ जाती है,
किडनीज आ जाती हैं, लीवर है, एंडोक्राइन सिस्टम मौजूद है. जैसे मैंने बताया कि हार्मोनल रेगुलेशन के थ्रू भी होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है. तो मोस्टली हार्मोन रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन सिस्टम. उसके बाद नर्वस सिस्टम है जो एज अ थर्मोस्टेट काम कर रहा है, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. सेंसरी सिस्टम मौजूद है जो कि सेंस कर रहे हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को. दीज ऑल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन नैरो रेंज, ठीक है जी, विद इन ऑप्टिमम वैल्यू, विद इन दैट स्पेसिफिक और मेंशनड वैल्यू दैट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा ये आपके पास होम्योस्टेसिस में जो है वो एग्जाम्पल आ जाती हैं. तो फॉर एग्जाम्पल होम्योस्टेसिस में ये आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है जिससे क्लियर जो है वो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ की, होम्योस्टेसिस के कॉन्सेप्ट की. वो ये कि जिस तरह मैंने बताया कि स्किन जो है वो एक ऑर्गन है जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए जो है वो हेल्पफुल है. किस तरह कि वेपोरेशन का प्रोसेस स्वेटिंग ग्लैंड्स को जो है वो एक्टिवेट करके स्वेट रिलीज करके बॉडी को जो है वो वेपोरेटिंग या कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, दैट इज इंक्लूड इन होम्योस्टेसिस. इसके अलावा जो है वो वाटर बैलेंस का मैंने जैसे बताया, तो वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किडनीज जो हैं वो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं. हाइपोथैलेमस जो हैं वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को, जैसे मैंने बताया हाइपोथैलेमस बेसिकली एक्ट एज अ थर्मोस्टेट फॉर द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो उसमें जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. चेंजेस इन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए. इसके अलावा जो है वो पैंक्रियाज रेगुलेट्स करता है ब्लड शुगर लेवल को. तो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस हेल्पफुल है. इसके अलावा जी आपके पास जो है वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट्स हीट थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, या तो हमारे पास हीट एक्सेस है या हम लोगों के पास जो है वो कोल्ड कंडीशंस हैं, तो उनमें जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शंस या वेजो डायलेशंस के थ्रू जो है वो क्या किया जाता है कि ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी. सो दिस मैकेनिज्म इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द होम्योस्टेसिस. उसके बाद स्केलेटल शिवरिंग मैकेनिज्म जो कि बेसिकली जो है वो बॉडी को हीट प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है. सो स्केलेटल मसल्स शिवरिंग मैकेनिज्म इंड्यूस करवाने के लिए होते हैं. तो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो बेसिकली कंट्रैक्ट करते हैं और इन रिजल्ट जो है वो हीट रिलीज होती है, दैट इज यूज टू मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस और टेम्परेचर बैलेंस ऑफ द बॉडी. सो बॉडी टेम्परेचर को, वाटर को, ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए जो है वो होम्योस्टेसिस आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है. इसके अलावा मैंने बताया कि जिस तरह जो है वो वाटर एक मीडियम है और वाटर वो ससेप्टिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिसको जो है वो होम्योस्टेसिस के थ्रू जो है वो बॉडी के अंदर रेगुलेट करवाया जाता है. तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं इंटरनल रेगुलेशन के लिए. तो उनमें हम हर एक को जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे. इसमें जस्ट मैंने ब्रीफली मेंशन किया है कि वाटर की प्रेजेंस में इंटरनल रेगुलरिटी जो है उसको मेंटेन कैसे किया जाता है. तो उसमें डिफरेंट मैकेनिज्म आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल ऑस्मोरेगुलेशन आ जाता है, एक्सक्रीशन आ जाता है और थर्मोरेगुलेशन आ जाता है, ठीक है जी. बॉडी से जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल को जो है वो एक्सक्रीट करने का मैकेनिज्म एक्सक्रीशन के अंदर आ जाता है. टेम्परेचर मेंटेनेंस जो है वो थर्मोरेगुलेशन के अंदर आ जाते हैं. इसके अलावा अब हम नेक्स्ट जो है वो मेन चीज वो ये कि हम होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म को जो है उसको देखेंगे कि व्हाट इज होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म एंड हाउ डज इट वर्क, ठीक है जी. तो होम्योस्टेसिस बेसिकली अचीव थ्रू नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. बेसिकली हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं होम्योस्टेसिस और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग और बॉडी के मोस्टली फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए और मेंटेनेंस के लिए जो है वो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है वो मौजूद होता है, ठीक है. नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक के दरमियान फर्क क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, इसको हम पहले पढ़ लें कि पहले सबसे पहली चीज जो है वो फीडबैक क्या है. फीडबैक बेसिकली एक रिस्पॉन्स होता है, बॉडी का रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, ठीक है. वो इंटरनल भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है. तो उसके अगेंस्ट बॉडी जैसा रिस्पॉन्स करती है, दैट इज अ फीडबैक मैकेनिज्म. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इंक्लूड मोस्ट होम्योस्टेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म. तो जैसे मैंने बताया मोस्टली बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद जी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो कि इसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से जो है वो डिफरेंशिएट करता है, उसमें ये चीज आ जाती है कि इट शट्स ऑफ द ओरिजिनल स्टिमुलस और रिड्यूसेस इट इन इट्स इंटेंसिटी, ठीक है. वर्क्स लाइक अ हाउस होल्ड थर्मोस्टेट. एग्जांपल्स इंक्लूड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर रेगुलेशन. सो बेसिकली नेगेटिव नाम से ही जाहिर है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म जिसमें जो है वो वाला स्टिमुलस जो के या वो वाला वेरिएबल जो के नॉर्मल या ऑप्टिमम वैल्यूज को चेंज करने की वजह बन रहा है, तो बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो या तो उस वेरिएबल को जो है वो कम्प्लीटली शट डाउन कर देगा,
या उसको रिड्यूस करेगा ताकि बॉडी जो है वो अपना ऑप्टिमम वैल्यू या मेंटेन कर ले, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें आपके पास एग्जांपल जो है वो ये आ जाती है जी, टेम्परेचर मेंटेनेंस की। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो है वो अब समर सीजन है, चूंकि एग्जांपल समर सीजन की के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर जो है हीट जो है वो ज्यादा है एंड बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है तो हम लोगों का हाइपोथैलेमस बॉडी के अंदर जो मौजूद है थर्मोस्टेट काम कर रहा है, वो क्या करता है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म इंड्यूस करवाता है। उसमें आपके पास स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं, उनको एक्टिवेट करवाता है, स्वेट रिलीज करवाता है, या जो है जो ब्लड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इनहांस करता है फॉर द पर्पज ऑफ एवेपोरेशन, और एवेपोरेशन अल्टीमेटली रिजल्ट इन टू कूलिंग। तो कूलिंग इफेक्ट पैदा करके जो है हमें उस इंटेंस हीट वाले इन्वायरमेंट में भी जो है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। मींस ये दोबारा से टेम्परेचर बॉडी का जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर इंश्योर करवाता है। तो दिस इज बेसिकली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये मैंने एक एग्जाम्पल दी, इसके बाद देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल नेगेटिव फीडबैक। उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल की भी जो है वो एग्जाम्पल आ जाती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एज कंपैरिजन टू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इट इज लेस इंपॉर्टेंट देन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंट्रोल मेनी फंक्शंस ऑफ द बॉडी। सो व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इंक्रीज द ओरिजिनल स्टिमुलस टू पुश द वेरिएबल फर्दर, ठीक है। तो ये किसी भी वेरिएबल को इनहांस करता है रादर देन डिक्रीजिंग और शटिंग डाउन दैट स्पेसिफिक वेरिएबल और दैट स्पेसिफिक स्टिमुलस। तो ये ना तो उसको रिड्यूस कर रहा है, ना उसको जो है वो उसको जो है वो शट डाउन कर रहा है, सिंपली इनहांस करता है उस खास वेरिएबल को, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस एंड ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ बेबी। तो बेबी की जो बर्थ के दौरान जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है उसको रिलीज करके जो है वो यूटराइन कंट्रैक्शन को रिलीज करता है विच इज हेल्पफुल फॉर द बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है। तो उस केस में जो है वो हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रादर देन डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ दैट वेरिएबल। बट हम पॉजिटिव फीडबैक में सिंपली ये कह सकते हैं कि ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म जिसके अंदर वेरिएबल की इंटेंसिटी या स्टिमुलस की इंटेंसिटी जो है वो इन्हांस कर दी जाती है, ठीक है। थ्रू दैट प्रोसेस और थ्रू दैट पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वी अटेन अ homeostatic condition. So homeostatic mechanism are designed to re-establish homeostasis when there is an imbalance. जब imbalance होगा तो उस वक्त जो है वो इसको attain करने के लिए या आपके पास जो है वो re-establish करने के लिए homeostasis mechanism के through जो है वो जरूरी होता है। उसके बाद जी बेटा next move करते हैं कि homeostatic system के जो है वो components कौन कौन से हैं। हम पढ़े हैं negative feedback mechanism, कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में टेम्परेचर को या ग्लूकोज लेवल को जो है वो मेंटेन करने के लिए हमारे पास होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म जो है वो या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो जरूरी है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म हाउ दे वर्क, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तीन कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले सेंसर। सेंसर क्या है? वो वाला मीडियम जो कि आपके पास किसी भी वेरिएबल या किसी भी स्टिमुलस को जो है वो सेंस कर रहा है। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज्यादा है, हमारी स्किन ने सेंस किया, हमारी स्किन को फील हुआ कि अब टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह ही जो है वो आपके पास विंटर कंडीशंस हैं तो या कोल्ड कंडीशंस हैं तो उसमें हमें पता है जी के टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो गया, हमारी स्किन ने जो है उसको फील किया, उसको सेंस किया। सो बेसिकली सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं स्किन में मौजूद वो सेंस करते हैं इस स्ट्रेस को, उस स्टिमुलस को, उस वेरिएबल को विच इज अगेंस्ट द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ द बॉडी। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट्स जो है वो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म का दैट इज सेंसर, और इन दिस केस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर मेंटेनेंस इन द बॉडी देन सेंसर इज सेंसरी रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट इन द स्किन। सेकेंड नंबर पर जो है वो हमारे पास कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर क्या है? नर्वस सिस्टम है जो कि सेंसरी रिसेप्टर से या सेंसर से मैसेज को रिसीव करता है और फिर इसको फॉरवर्ड करता है, ठीक है जी। तो उस मैसेज को जो है वो ना सिर्फ रिसीव करता है बल्कि प्रोसेस करता है और फिर पॉसिबल जो है वो मैकेनिज्म जो है वो इंप्लीमेंट करवाता है नेक्स्ट मैसेज को फॉरवर्ड करके। सो द कंट्रोल सेंटर विच रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसर्स एंड सेंड्स अ मैसेज टू एडजस्ट द स्ट्रेस।
उसके बाद थर्ड कंपोनेंट आ जाते हैं आपके पास इफेक्टर, ठीक हो गया जी। तो इफेक्टर में आपके पास फॉर एग्जांपल जो है वो उसमें एक सिंपल सी मैं एग्जांपल कोट करूंगी यहाँ पे। इफेक्टर में फॉर एग्जांपल आपके पास वो वाला रिएक्शन है यानी कि मसल जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, हीट प्रोड्यूस हुई ड्यू टू द मैसेज कन्वेड बाय दिस कंट्रोल सेंटर, ठीक है। तो वो आपके पास जो है वो इफेक्टर आ जाते हैं, मीन्स रिस्पॉन्स शो किया। सो इफेक्टर विच रिसीव द मैसेज फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर एंड प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स विच री एस्टेब्लिश द होम्योस्टेसिस, ठीक हो गया। इट शुड बी, और जैसे ही हमने नॉर्मल कंडीशन या हमने बैलेंस जो है वो मेंटेन कर लिया, तो ये वाला जो स्विच्ड मैकेनिज्म था, ये पूरा जो मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस का जो स्टार्ट हुआ था, इंड्यूस हुआ था, ये जो है वो स्टॉप हो जाता है जैसे ही हमने जो है वो ऑप्टिमम वैल्यू को अगेन जो है वो टच कर लिया। उसके बाद इट शुड बी नोटिस्ड दैट द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्नेस शट्स द फर्नेस डाउन थ्रू द थर्मोस्टेट। सो ये एक बड़ी मैंने सिंपल सी एग्जांपल जो है वो मेंशन की आपके सामने कि फॉर एग्जांपल घरों में जो है वो हम विंटर सीजन में जो है वो यूज कर रहे होते हैं फर्नेस, तो उसमें जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम एक मौजूद है कि जैसे ही जो है वो रूम जो है वो आपका वार्म अप हुआ तो फौरन से जो है वो हीट जो कि फर्नेस उसको रिलीज कर रहा था वो शट डाउन कर देगा अनटिल और अनलेस देयर इज अगेन नीड टू रिलीज दैट हीट। तो ये आपके पास थर्मोस्टेट जो है वो बिल्कुल फर्नेस में जो है वो ऐसे ही काम कर रहा है जिस तरह हम लोगों का जो है वो हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी के अंदर वर्क कर रहा है टू मेंटेन और टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सो इन दिस केस द ओरिजिनल स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड। ओरिजिनल स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस कैसे हुई कि रूम जो है वो वार्म अप हो गया। तो पहले जो है वो आपके पास जो है वो कंडीशंस थी कि मतलब रूम का टेम्परेचर जो है वो बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से जो है वो बहुत कम था, तो हमने उसको वार्म अप कर लिया और अब हम हमारा जो टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो गया, मेंटेन हो गया, रूम वार्म अप हो गया। तो जैसे ही रूम वार्म अप हुआ तो फर्नेस ने जो है फर्नेस शट्स द फर्नेस डाउन थ्रू द थर्मोस्टेट। सो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म दैट शो दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑपरेटिंग बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मैंने आप लोगों को बताया, तो इस तरह इस वे में जो है वो नेगेटिव फीडबैक को कंट्रोल किया जाता है। तो आप एक लोग एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें जो है वो स्टिमुलस की इंटेंसिटी को जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। या तो हम उसको रिड्यूस करते हैं या उसको सिंपली शट ऑफ कर देते हैं, हमें जरूरत ही नहीं, ठीक है। इस केस में लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एज कंपैरिजन टू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मैंने बताया कि उसमें सिंपली जो है वो हम इनहांस कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी स्टिमुलस की वेरिएबल की इंटेंसिटी को। इसके अलावा ये आपके सामने जी एक डायग्राम मौजूद है जो कि एक फ्लो चार्ट में जो है वो आपके सामने क्लियर पिक्चर रख रही है कि किस तरह जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। सो ये एक एग्जाम्पल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की टू कंट्रोल टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस क्या है इस केस में, हाइपरथर्मिया कंडीशन, ठीक है जी। हीट जो है वो ज्यादा मौजूद है, हीट की इंटेंसिटी ज्यादा है। सो इन दिस केस स्किन, ठीक है, स्किन में मौजूद सेंसरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट दिस स्ट्रेस, ठीक है, या इस स्टिमुलस को जो है वो डिटेक्ट करेंगे सेंसरी रिसेप्टर जो कि स्किन में मौजूद है जिनको हम सेंसर्स भी बोलते हैं। तो सेंसर्स क्या करेंगे, सेंसर या सेंसरी रिसेप्टर उस इंफॉर्मेशन को लेंगे कि हीट जो है वो उसका लेवल ज्यादा है, तो उस मैसेज को कन्वे करेंगे कंट्रोल सिस्टम की तरफ। तो कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस। तो बॉडी में मौजूद हाइपोथैलेमस जो है वो आपके पास एज अ कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है एंड दिस कंट्रोल सिस्टम विल इनिशिएट और इंड्यूस टू डिफरेंट मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म कौन से हो सकते हैं, या तो स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेंगे कि अब जो है वो स्वेट को रिलीज करके वेपोरेशन या कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड किया जाए, या सिंपली सेकंड मैकेनिज्म हो सकता है कि हम जो है वो ब्लड फ्लो टू द स्किन जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। सो दिस इज अनदर मैकेनिज्म टू इंड्यूस द कूलिंग इफेक्ट इन द बॉडी। सो जैसे ही जो है इन दो मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो हमने अटेन कर लिया नॉर्मल होम्योस्टेसिस या नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन जो है वो मेंटेन कर ली, ठीक है जी, बाय एवेपोरेटिंग और बाय द कूलिंग इफेक्ट जिसको हम इफेक्ट बोल रहे हैं, तो उसके बाद सिंपली दिस होल मैकेनिज्म इज शट डाउन आफ्टर अटेनिंग द सूटेबल और ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन को मेंटेन करने के बाद जो है ये वाला सिस्टम जो है वो उसको स्टॉप या शट डाउन कर दिया जाता है। सो दिस इज बेसिकली अ सिंपल एग्जांपल ऑफ होम्योस्टेटिक रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ मैंने एक अदर एग्जांपल मेंशन किया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को क्लियरली या आपके कॉन्सेप्ट के लिए जो है वो एक अदर एग्जांपल, जैसे मैंने बार बार मेंशन किया है कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड।
सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है उसमें अब इसके केस में जो है वो ब्लड शुगर लेवल को किस तरह मेंटेन करता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. फॉर एग्जांपल हाइपर ग्लाइसीमिया कंडीशन मौजूद है, हमारे पास ग्लूकोज लेवल जो है ज़्यादा है, इन्हांस्ड कंडीशन में ग्लूकोज लेवल मौजूद है, तो क्या होता है कि पैंक्रियाटिक सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं. तो पैंक्रियाटिक सेल्स एज अ सेंसरी रिसेप्टर जो हैं वो काम कर रहे हैं एंड एज वेल एज अ कंट्रोल सेंटर. तो पैंक्रियाटिक सेल्स किस चीज़ को एक्टिवेट करवाते हैं, इंसुलिन को. सो इंसुलिन जैसे ही एक्टिवेट होगी तो ये ब्लड के अंदर रिलीज करवा दी जाएगी, और ब्लड के अंदर इंसुलिन के रिलीज होने की वजह के लीवर और मसल सेल जो हैं वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ब्लड से इनटेक कर लेंगे. तो जैसे ही अब इस केस में जो है वो आपके पास ये वाले इफेक्टर्स हैं, लीवर और मसल सेल्स जो कि उस ब्लड ग्लूकोज को जो है वो ले रहे हैं. तो ब्लड ग्लूकोज जैसे ही लीवर और मसल जो है वो इनटेक कर लेंगे तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन्ड हो जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड चाहिए. सो ग्लूकोज चूंकि हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन में ज्यादा था तो अब जो है वो इस मैकेनिज्म के थ्रू यानी कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हमने इसको रिड्यूस कर लिया. सो जैसे ये ऑप्टिमम कंडीशन जो है वो मेंटेन कर ली जाएगी तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो शट ऑफ कर दिया जाएगा. ठीक हो गया जी. तो ये सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास किसकी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की. उसके बाद बेटा मैंने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का बताया कि स्टिमुलस की इंटेंसिटी को इनहांस करना नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर आ जाता है. सो होम्योस्टैटिक सिस्टम यूटिलाइजिंग पॉजिटिव फीडबैक एग्जिबिट टू प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स. कौन कौन से, टाइम लिमिटेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस. टाइम लिमिटेशन की अगर बात हो रही है तो वो क्या चीज़ है, प्रोसेसेस इन द बॉडी दैट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ कंस्ट्रेंट टाइम फ्रेम आर यूजुअली मॉडिफाइड बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल कोड की बेटा आप लोगों के पास के जो है वो चाइल्ड बर्थ के दौरान वो एक टेम्परेरी पीरियड है जिसके दौरान जो हमने है जो बर्थ बेबी का होना है तो उसके दौरान जो है वो टाइम लिमिटेशन के दौरान खास टाइम लिमिट के अंदर हमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए, अदरवाइज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो कंटिन्यूटीज की नहीं चाहिए. उस केस में जो है वो हमें जैसे ही जो है वो ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है वो थ्रू थर्मोस्टेट या ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज करवाई जाती है तो यूटराइन कंट्रैक्शन जो है वो इनहांस होंगी, बेबी की डिलीवरी होगी एंड आफ्टर दैट ऑक्सीटोसिन यानी कि हार्मोन रेगुलेशन जो है वो ऑफ हो जाएगा. तो एक खास पीरियड के दौरान जो है वो हमें या एक खास टाइम लिमिट के दौरान जो है वो हमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए. इंटेंसिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस. During a positive feedback process, the initial imbalance of stress is intensified rather than reduced as it is in the negative feedback mechanism. तो ये जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि basically जो है वो stress का level enhance ही किया जाता है in this case in positive feedback mechanism rather than reducing or shutting this stimulus. तो ये आपके पास जी एक diagram मौजूद है. स्ट्रेस है सेंसर और सेंसरी रिसेप्टर विल जो है सेंसर इसको जो है वो सेंस करेगा इस स्ट्रेस को स्टिमुलस को. कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, इफेक्टर को मैसेज कन्वे करेगा टू इंटेंसिफाई दैट स्ट्रेस बट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान उस स्पेसिफिक सेंसर और स्पेसिफिक स्ट्रेस की जो है वो इंटेंसिटी इन्हांस की जाती है. जैसे ही वो प्रोसेस जो है उसको हमने अटेन कर लिया आफ्टर दैट जो है वो हमें फिर नॉर्मल लेवल पर जो है वो इसको मेंटेन कर लिया जाता है. उसके बाद बेटा ये आप लोगों के पास जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि बेबी बर्थ के दौरान जो है वो हमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म मोस्ट कॉमनली जो है उसको रिक्वायर्ड होता है मोस्ट पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. उसकी जो है वो आपके सामने डायग्राम मौजूद है कि जो है ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह काम करता है. तो फॉर एग्जाम्पल नर्व एंडिंग इन द यूट्राइन वॉल कैरी डिफरेंट मैसेजेस टू द हाइपोथैलेमस. ठीक है जी, तो हाइपोथैलेमस को जैसे ही मैसेज पहुंचता है तो इट विल कॉज टू रिलीज ऑक्सीटोसिन. तो ऑक्सीटोसिन जैसे ही ब्लड के अंदर रिलीज होगा इट विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ और इट विल इनहांस द यूट्राइन कंट्रैक्शन. सो यूट्रस की वॉल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एंड दैट कॉन्ट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड टू पुश द बेबी और फॉर द डिलीवरी ऑफ बेबी. ठीक है, तो हमने जो है वो इस स्ट्रेस को जो है वो इंटेंसिफाई करवाया एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ सो द प्रेशर ऑफ द फीटस ऑन द यूट्राइन वॉल एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी देन अगेन द ऑक्सीटोसिन लेवल इज मेंटेन्ड रादर देन इनहांसिंग बाय हाइपोथैलेमस. सो दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू मेंटेन द होम्योस्टैटिक बैलेंस. तो इसमें भी होम्योस्टेसिस आ रहा है. क्यों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का एक खास लेवल बॉडी के अंदर मौजूद है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू उसको इनहांस करवाया क्योंकि हमें चाहिए, हमने अपने बेनिफिट के लिए. ठीक है, बॉडी को अपने बेनिफिट के लिए उसको इनहांस करवाया, आफ्टर दैट जो है वो हमने उसको फिर डिक्रीज करवा दिया. सो होम्योस्टेसिस या उस नॉर्मल लेवल पर ले आए. तो होम्योस्टेसिस हम सिंपली कह सकते हैं किसी भी बॉडी के सेल
ठीक है जी, हार्मोन्स और ओवरऑल बॉडी के मैकेनिज्म को जो है वो नॉर्मली परफॉर्म करवाने के लिए होम्योस्टेसिस जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म जो है वो बॉडी के अंदर रुक गया है, बॉल्ट है या नहीं हो रहा, तो इन दैट केस डिफरेंट डिजीज जो है, डिफरेंट एबनॉर्मैलिटीज जो है वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो ग्लूकोज लेवल का ग्लूकोज लेवल जो है वो ब्लड के अंदर कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो उसकी वजह से जो है वो डायबिटीज के चांसेस हैं। सो इन दिस केस डिजीज से, एबनॉर्मैलिटी से बचने के लिए होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट द होम्योस्टेसिस। और आज के लेक्चर के लिए जो है वो इधर तक ही, उम्मीद है कि सबको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, फिर भी किसी बच्चे का अगर क्वेश्चन है तो वो लाजमी पूछे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।